हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रेजी फॉर फूड में। आज हम आटा पापड़ी बनाएंगे। यह बहुत ही खस्ता, कुरकुरी और स्वाद में बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप चाट, भेलपुरी किसी में भी डाल के खा सकते हैं और फ्रेंड्स चाय के साथ भी यह बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए आटा पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है एक कटोरी आटा। अब मैं उसमें डालूँगी आधी कटोरी बेसन, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच सूजी। यहाँ मैंने बारीक सूजी का यूज़ किया है। आपके पास अगर मोटी सूजी है तो आप उसको पीस कर डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें लिया है 1 चम्मच जीरा। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। यहाँ मैंने लिया है पिंच ऑफ हल्दी। यहाँ मैंने लिया है नमक स्वाद के अनुसार। आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है तेल मोइन लगाने के लिए। आप इसमें घी बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा सब मिक्स हो चुका है। अब जब मैं इसको हाथ में लेके मुट्ठी सी बना रही हूँ तो देखिए इसकी मुट्ठी सी बन गई है। इसका मतलब है कि अब हमारा मोइन की मात्रा जो हमने ली थी वो एकदम सही है। अब मैं इसे पानी की सहायता से आटे का डो लगा लूँगी। इसमें मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी। देखिए अब हमारा आटा रेडी हो चुका है। हमको आटा ना ज़्यादा सख्त लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, हमको आटा मीडियम ही रखना है। देखिए अब हमारा आटा रेडी है। अब मैं इसकी लोइयां तोड़ लूँगी। यहाँ मैंने बड़े बड़ी लोइयां तोड़ ली हैं। अब मैं इसको गोल गोल करते हुए इसकी अच्छे से लोई बना लूँगी और इसको अच्छे से बेल लूँगी। इसको अच्छा पतला बेलना है। इसको हमको जैसे हम रोटी बेलते हैं उतना पतला हमको अच्छे से बेलना है। ये देखिए इतना पतला लगभग हमको बेलना है। इसको ना ज़्यादा कागज़ जैसा पतला करना है और ना ज़्यादा मोटा रखना है। अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर की सहायता से लंबा लंबा काट लूँगी। आप इसको किसी का भी शेप दे सकते हैं, छोटे छोटे गोली बना सकते हैं या फिर कुकी कटर से आप उसका डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लंबा लंबा काट लिया है। अब मैं इसको निकाल के एक एक करके प्लेट में रख लूँगी। ऐसे ही हमको सब एक एक निकाल के प्लेट में रखना है जिसके लिए हमको सेकने में ईजीली होगा। देखिए मैंने यहाँ सब प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और गरम कर लिया है। अब मैं एक एक करके इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आपका आटा सख्त होगा तो बेलने में कठिनाई होगी और सॉफ़्ट होगा तो कुरकुरी नहीं बन पाएंगी। इसलिए फ्रेंड्स, हमको आटे का जो डो है वो मीडियम सॉफ्ट लगाना है और यहाँ पर हमको गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। देखिए अब हमारी ये ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, हमको जो तेल का फ्लेम है वो स्लो रखना है। अगर आप तेज रखेंगे तो हमारी ऊपर से तो कुरकुरी पापड़ी बन जाएंगी पर थोड़ी देर होने के बाद ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी। इसीलिए हमको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। देखिए मैंने यहाँ पर और भी पापड़ी सेक ली है। देखिए अब ये हमारी पूरी पापड़ी अच्छे से सिक गई है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये हमारी कितनी ही बढ़िया कुरकुरी बनी है। देखिए
कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, बहुत ही बढ़िया कुरकुरी हमारी पापड़ी बनी है। फ्रेंड्स, आप इसे भेलपूरी में, चाट में कैसे भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही खस्ता लगती है और यह आटे से बनी हुई है। फ्रेंड्स, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।